फार्मेसी डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ, और वो जो वीडियो है यकीन मानिए शायद आपके लिए एक रिसर्च का टॉपिक बन सकता है, क्योंकि वो चीज को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ डंकी मिल्क के बारे में, डंकी मिल्क की न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बारे में। आप लोग उम्मीद है शायद चौंक गए होंगे कि डंकी मिल्क की न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू। जी हाँ, बहुत सारे आर्टिकल्स पबमेड पे लिस्टेड हैं जिसमें कंपैरिजन किया गया है डंकी मिल्क का इम्यून सिस्टम के लिए, डंकी मिल्क का काउ मिल्क के साथ कंपैरिजन किया गया है, डंकी मिल्क का जो ह्यूमन मिल्क होता है जो बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके मिल्क के साथ कंपैरिजन किया गया है, डंकी मिल्क का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन किया गया है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए एक शायद रिसर्च का टॉपिक भी बन सकती है कि आप उसके ऊपर एक्सप्लोर करें, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सप्लोर होना बाकी है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि जब मैंने डंकी मिल्क की बात की है तो डंकी मिल्क का प्राइस भी आप लोगों को हैरान कर सकता है, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे, अगर मैं यूरोप की बात करूं, मैं यूएस की बात करूं, तो वहां पे डंकी मिल्क 7 से 10 हजार रुपए लीटर सेल हुआ है। आप लोगों को शायद यकीन ना हो रहा हो तो आप गूगल करके जरूर देखिएगा कि आपको डंकी मिल्क कितनी क्वांटिटी में कोरोना जैसी महामारी के अंदर लोगों की डिमांड बढ़ी डंकी मिल्क की यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और लोगों ने लाइन से लग के 10-10 ml का जो डंकी मिल्क था डंकी मिल्क को प्रेफर किया। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, क्योंकि मैंने इम्यून सिस्टम की बात की सबसे पहले, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपको पता है कोरोना महामारी में जिसका भी इम्यून सिस्टम वीक रहा तो उस महामारी के अंदर वो बंदा कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसको कोरोना वायरस ने अटैक किया। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप इसके अंदर जो प्रोटीन होती है, जो डंकी मिल्क है, डंकी मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है वो वे प्रोटीन होती है, और जो वे प्रोटीन होती है वो क्या करती है, वो बेसिकली हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट लाती है हेल्थ के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो चीज है ये स्टिमुलेट करती है रिलीज को। किस चीज का रिलीज होता है? पावरफुल इम्यून रिस्पॉन्स सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस बोलते हैं, और हमारी जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को रिड्यूस करती हैं। और जब इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस रिड्यूस हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम अल्टीमेटली ये मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं वो इस चीज से हमें बचाती हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक और अगर मैं बात करता हूं, ये इसके अंदर ये क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज को, जो डंकी मिल्क होता है इसको नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज को प्रॉम्प्ट करता है, जिसकी वजह से अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सर्कुलेशन है हमारा, बेसिकली इससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती हैं, और ब्लड वेसल्स ओपन होने से जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो फास्ट हो जाता है, और खास तौर पे जो आर्टरीज के अंदर जो प्लैक डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है, उसको भी ये मिनिमाइज करती है। अभी एक और रिसेंट स्टडी चल रही है डायबिटीज, अभी वो तो मेडिकल लिटरेचर इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज को, लेकिन ऐसा एज्यूम किया जा रहा है इस वे प्रोटीन की वजह से जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये वे प्रोटीन ग्लूकोज की और जो हमारी इंसुलिन की जो रेसिस्टेंस है, जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है और इंसुलिन का जो रेसिस्टेंस है उसको इम्प्रूव करने का काम कर रही है। ऑल्दो अभी लिटरेचर चल रहा है इसके ऊपर, काफी सारा डेटा इस पे काम होना बाकी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आज मैं छोड़ के जाऊंगा जो कि आपके लिए एक रिसर्च का टूल बन सकते हैं, वहां से आप अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज में डंकी मिल्क का बहुत ज्यादा बहुमूल्य योगदान हो सकता है, रीजन है वे प्रोटीन, वे प्रोटीन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को और जो मैंने आप लोगों को बताया इंसुलिन की रेसिस्टेंस को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ये तो बात हो गई हमारी हेल्थ से रिलेटेड, अभी और चीजें हैं जिसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं, जैसे कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, और फैटी एसिड्स एक काम करते हैं, जो हमारे रिंकल्स होते हैं इसके अंदर उसको ब्लर करने का काम करते हैं, और जब ये ब्लर हो जाएंगे इसके अलावा हेल्प करते हैं किस चीज में, रीजनरेशन में, जो डैमेज हो जाती है स्किन उसके रीजनरेशन में हेल्प होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी ये कैरी करता है, और इसके ऊपर लिटरेचर भी अवेलेबल है, और इसके अलावा इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है। हीलिंग आप लोगों को पता है, चोट लग जाती है उस चीज में हील, इसको हम कहते हैं कि वो जो घाव भरे जाते हैं उसको हीलिंग बोला जाता है, और इसके अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टी भी है और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। साथ में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी स्किन पे इरिटेशन हो गई, रेडनेस हो गई, इन सबको भी सही करता है आपका डंकी मिल्क। इसके अलावा अब मैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बात करूं तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जो लाइन है मैं आपको जब बताने लगूंगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि
कितनी ज्यादा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इसके अंदर कैरी होते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ विटामिन ई, अमाइनो एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी सिक्स, ठीक है, ये आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा ओमेगा थ्री फैटी एसिड, ओमेगा सिक्स फैटी एसिड, ये कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, जिसकी वजह से जो डंकी मिल्क है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रेफर कर रही है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसको प्रेफर कर रही है। अब मैं बात करता हूं लो एलर्जिक रिस्क। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है काओ मिल्क। जैसे कुछ आपने बच्चे देखे होंगे जो कि काओ मिल्क को लेते हैं, उनके अंदर ना लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, तो इमीडिएटली डॉक्टर बोल देता है कि आपको, क्योंकि वो प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होती है काओ मिल्क के अंदर जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है सूज में ब्लड भी आने लगता है बच्चों के, और वहां पे वो थिक क्लॉट बना देती है। तो जो हमारा डंकी मिल्क होता है ये ऐसी एलर्जिक रिएक्शंस कुछ भी कैरी नहीं करता, और जो एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होंगी तो आराम से इसको इजीली लिया जा सकता है। अब बताते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो जैसे कुछ जो मिल्क होते हैं उसके अंदर अपने आप एयरबोर्न पैथोजेंस डेवलप करने की कैपेसिटी होती है, तो डंकी मिल्क जो है उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं है, जो एयरबोर्न पैथोजेंस इसके अंदर डेवलप नहीं होते, जो फूड बोर्न पैथोजेंस होते हैं, तो उसकी वजह से इसकी जो शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी जो है वो भी ज्यादा होती है दूसरे मिल्क के कंपैरिजन में। तो आई एम श्योर आप लोगों को शायद इतनी इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को आज प्रोवाइड की है, इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्यादा आइडिया मिला होगा कि हाँ इस डायरेक्शन में भी काम किया जा सकता है, इस डायरेक्शन में रिव्यू आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं। तो आप मतलब मैं आपको फिर से समराइज करता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले एंटी एजिंग, सेकंड नंबर पे हीलिंग प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर पे एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी या फिर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद लो एलर्जी जिसके अंदर एलर्जी का जो रिस्क है वो बहुत कम होते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, साथ में डायबिटीज में काम आता है, और साथ में इम्यून सिस्टम, जो भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं उनके इम्यून सिस्टम को भी सही करने में हेल्प कर सकता है। तो आई एम श्योर लिसनर आप लोगों को ये जो हम जो एक पुरानी कहावत थी ये तो गधा है, तो गधा गधा नहीं है एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो उसकी जो मिल्क है उसके मिल्क की काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और आई एम श्योर अब शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल जरूर करेंगे और ये सारी चीजें सर्च करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है आप में से कुछ ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो कि इसके ऊपर एक रिव्यू आर्टिकल लिखने की भी कोशिश करें, और तो बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है पबमेड के ऊपर, मैंने आपको बताया, आप पबमेड सर्च करिए, उसमें डंकी मिल्क कंपैरिजन डालिए काओ मिल्क, आपको टेबल्स मिलेंगी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पहुंचती रहे।